और सीधा चलेंगे दिल्ली, जहां हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ बने हुए हैं। अमर, इन्वेस्टर्स मीट होने वाली है आज, क्या ये कार्यक्रम शुरू हो गया? अमर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो अमर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली के ताज मान निवेशकों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति भी आज लागू की जाएगी। और आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को यानी कि आज राज्य की औद्योगिक नीति पेश करेंगे। राज्य में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने पर सरकार की नजर है। स्टेट गवर्नमेंट की नजर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की भी है। और सहयोगी अमर के साथ हमारा संपर्क फिर से जुड़ गया है। अमर, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कार्यक्रम शुरू हो गया? बिल्कुल नहीं, कार्यक्रम 12 बजे के स्टार्ट होगा, क्योंकि 11:30 बजे से 12 बजे जो है इन्वेस्टर उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद 12 बजे से जो है ये कार्यक्रम शुरू होगा, 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक पहले। उसके बाद जो है लंच है, उसके बाद कहा ये जा रहा है कि 2:30 में जो है दूसरा कार्यक्रम फिर से स्टार्ट होगा। उसके बाद 5 बजे जो है मीडिया की एंट्री होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बातचीत हो रही है वो आपस में तय हो जाने के बाद जो है मीडिया को संबोधित करेंगे। तो 5:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। लेकिन सरकार की पॉलिसी बिल्कुल साफ है, सरकार झारखंड के ऊपर जो टैग लगा हुआ है वो टैग है खनिज और संपदा का। हर किसी भी व्यक्ति को अगर बात करें तो झारखंड के बारे में जैसा ही आप नाम लेंगे तो उन्हें लगता है कि प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। लेकिन खनिज संपदा की भी एक लिमिटेशंस है, वो उसका जितना दोहन आप करेंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और उसको बचाने की जो कवायद है वही उसी को लेकर के सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वहाँ पर उद्योग लगाए जाएं, जो खनिज संपदा का टैग लगा हुआ है उसे हटा करके वो चाहते हैं कि वहाँ उद्योग धंधे लगे ताकि रोजगार मिले और लोग वहाँ पर आए। कई फ्लेक्सिबल नीति भी बनाई गई है सरकार की ओर से, उन्होंने कहा है कि जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका स्वागत खुले मन से हम करेंगे और उनका सहयोग खुले हाथ से करेंगे। तो उनके लिए सब कुछ खुला हुआ है, आप आए इन्वेस्ट करें, देखें। अमर, ये समझना चाहेंगे कि राज्य सरकार ने जो प्रदेश में उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रयासरत है, तो ये समझना चाहेंगे कि जो पहले घोषणाएं हुई थी उद्योग को लेकर के और निवेश को लेकर के, उससे जो अभी की जो नीतियां हैं वो क्या अलग हैं? देखिए, पहले कुछ प्रावधान ऐसे थे जिस वजह से जो उद्योगपति थे या फिर जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए समस्या थी। समस्या ये थी कि वो चाहते हैं कि उनको सब कुछ वहां पर मिल जाए। पहली बात, उन्होंने ये कहा था कि जो स्थिति है झारखंड का, भौगोलिक स्थिति है, उससे लोगों को दिक्कतें होगी, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, कोयला हो, तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें इसलिए उसको ख़त्म कर दिया गया है कि ताकि आप यहाँ पर जो आएंगे आपकी सुविधा के अनुसार सरकार उस चीज़ को मुहैया करवाएगी। ऐसा पहले नहीं था, और इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार ने अपनी कैबिनेट में इस मीटिंग से पहले अपने कैबिनेट में फ्लेक्सिबल नीति को उन्होंने अपनाया था कि जो भी प्रावधान और या फिर जो भी दिक्कतें उद्योग लगाने में हो रही है उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार खड़े होकर के आपका उद्योग को लगवाएगी और खुले हाथ से आपकी मदद करेगा ताकि आप यहाँ पे आए, एक बार आकर आप देखें तो,
और हमारी जो पॉलिसी है आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सरकार ने कई जगह रोड, सड़कें, हवाई जहाज या फिर रेलवे का जो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर आएंगे तो इस ये सुविधाएं मिलेगी आपको। रही बात जमीन देने की बात है, सरकार बोला कि मैं जमीन देने के लिए भी आपको तैयार हूँ, आप यहाँ पर उद्योग लगाएंगे तो आपको सस्ते, या फिर क्योंकि आप ज़्यादा सस्ते जमीन पैसों में अगर आप दे देते हैं जमीन को तो उनको जो उद्योग लगाते हैं उनको लोन लेने में जो है मुश्किलें होती है क्योंकि आकलन उसी हिसाब से किया जाता है। तो उसका भी प्रावधान रखा गया है कि आपके जो भी दिक्कतें हों सरकार से आप बात करें और आपके लिए दरवाजा हमेशा खुला है। तो ये एक फ्लेक्सिबल नीति है और ये चाहते हैं कि वहाँ पर लोग आए, चाहे आज देखें जितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि टाटा लोग यहाँ आ रहे हैं और डालमिया यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल आमार, लेकिन जब पूर्व की सरकार की बात करें, जब पूर्व में भी इस तरह की कोशिश की गई थी, यहाँ तक कि विदेशों में, दूसरे देशों में भी जाकर के निवेशकों को लुभाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो नतीजा था वो सिफर रहा, संतोषजनक नहीं रहा, बल्कि हम ऐसा कहें कि कई उस वक्त उद्योग जो है वो बंद हो गए, बंद होने के कगार पे आ गए। तो हम कितना उम्मीद कर सकते हैं इस मीट से? देखिए, किसी ने सच ही कहा है कि डर के नदियाँ पार नहीं की जा सकती है और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो कोशिश इंसान को करना चाहिए। हेमंत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो चाहते हैं कि उद्योग धंधे यहाँ पे खुलें, आप बेरोजगारी जो है उसको दूर करें, लोगों को रोजगार दें, युवाओं को रोजगार दें, क्योंकि वहाँ पर जो युवा हैं उनके पास है वो हुनर जो वो काम कर करके अपने राज्य को आगे बढ़ा सकती है। आप अगर देखें झारखंड बिहार का अगर दो ऐसा स्टेट है जहां से पूरे हिंदुस्तान में कहें कि और बाहर भी कनाडा वगैरह भी आप जाएंगे तो वहां लेबरगिरी करने के लिए ये तमाम लोग जाते हैं और इसको बंद करना चाहते हैं। ये एक उनका अपना एक पॉलिसी है, सरकार अगर कोशिश करे तो इसमें किया जा सकता है। और ऐसे बात नहीं है कि पिछले बार की सरकार ने नहीं किया, हो सकता है कि उनकी पॉलिसी गलत हो। उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप पिछले बार देखें झंडा उत्तोलन के लिए जो उन्होंने किया था उसका क्या नतीजा हुआ, तो ये इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए कि पिछले सरकार की जो कोशिशें थी वो नाकाम रहा इसलिए हम उस पर काम नहीं करेंगे। हाँ, उस पर हम नियम बनाएंगे, नीति बनाएंगे और नीति के साथ अगर हम चलते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मोटर्स कंपनी है टाटा आज झारखंड में ही है जी। लोगों को लगता है कि अगर टाटा है तो टोयोटा क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक उम्मीद तो जरूर है टाटा को लेकर के कि अगर टाटा है तो बाकी कंपनियां भी आ सकती हैं और टाटा का एक अपना नाम है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आज मीट होने वाली है निवेशकों को लुभाने में हेमंत सोरेन यानी कि सीएम झारखंड के, वो सफल रहें। हालांकि दो दिन का वक्त है तो देखना होगा कि कितना सफलता हमें हासिल होती है। आप नजर बनाए रखिए, हम बार बार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में निवेश प्रोत्साहन के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। दिल्ली में आज झारखंड का दो दिवसीय इन्वेस्टर मीट है और दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है।